ये शेपर्ड डॉग होते हैं, सीप डॉग होते हैं, ये जंगली जानवरों से भी फाइट करते हैं और बहुत बार लेपर्ड को हरा देते हैं। बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि दो कुत्तों ने मिलके लेपर्ड को मार दिया। इसका ओरिजिनल मुंह है, ये देखिए आप, ये देखिए, और बिल्कुल भी ये बाइट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर कोई चाहता है लाइफ में, जो कुत्ते पालने के शौकीन है, कि वो ऐसे शेर जैसा कुत्ता पाले। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास इस समय ये खूबसूरत टिबेटन मस्टिफ है। अक्सर आपने सुना होगा कि लॉयन हेड, तो ये जो डॉग है इसको कहते हैं लॉयन हेड। आप देख सकते हैं इसके पूरे हेड पे और गर्दन के आस का फर है, बाल है, और बीच में यहाँ देखेंगे तो यहाँ बाल नहीं है, बाकी इसके फिर से पीछे से बाल है, जैसे बिल्कुल शेर के होते हैं। तो ये एकदम लॉयन जैसा है। तो वजन की बात करूँ तो लगभग 70 kg से ज़्यादा है इसका वजन, इस कुत्ते का। बोन साइज आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग बोन है, और मज़ल आप देख सकते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो टिबेटन मस्टिफ होते हैं उनके मज़ल ऐसे होने चाहिए, सुडोल वाले, ऐसे नहीं कि इतने बड़े लटक रहे हैं यहाँ तक। इसके देखिए ऐसे नहीं है, मुंह बड़ा है लेकिन मज़ल ऐसे यहाँ तक लटके हुए नहीं है। तो ये खुदा ना खास्ता कभी जंगल में लेपर्ड से या कोई जंगली जानवर से इसका फाइट हो गया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फाइट करने में। जिनके मज़ल बहुत ज़्यादा लटक रहे हैं ऐसे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये टिबेटन मस्टिफ है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतनी यूज्ड जो ब्रीड है ये कौन सी ब्रीड है। ये टिबेटन मस्टिफ है, और टिबेट के जो ऊपरी इलाके में जो शेपर्ड लोग होते थे, भेड़ बकरी वाले होते थे वहाँ पे, उन लोगों के पास ये डॉग गार्ड डॉग होता था जो उनकी सीप्स की जंगली करता था। जैसे कि आप अमूमन हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड, हिमाचल या नेपाल में भोटिया कुत्ता देखते हैं या गद्दी कुत्ता देखते हैं। टिबेटन मस्टिफ थोड़ा साइज़ में बड़ा होता था, लेकिन ये बहुत सिमिलर है भोटिया गद्दी के, साइज़ में बड़ा होता है। जब समय बीतता गया तो जो ब्रीडर लोग करके चाइना में, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करी और पूरी दुनिया में उसको फैलाना शुरू कर दिया, और आज टिबेटन मस्टिफ के नाम पर कुछ भी बिकता है। तो अभी भी खैर कुछ कुछ जगह थोड़ा ठीक ठाक डॉग है। तो बाकी आप ही लोग बताएंगे आपको ये डॉग कैसे लगा। बहुत हैवी है और बहुत अच्छा है। इनका भी फोर्स बाइट मैं बहुत बार बोल 150 PSI होता है टिबेटन मस्टिफ का, जो शेर का फोर्स बाइट होता है, लगभग दोनों का बराबर ही होता है। तो अगर आपका हाथ इनके जबड़े में आ गया तो आपकी हड्डी में ये छेद कर देंगे। इनमें इतनी ताकत होती है कि आपकी हड्डी को ये तोड़ दें, चकनाचूर कर दें, इतनी ताकत। बहुत बार तो ऊपर तिब्बत के इलाकों में या हमारे यहाँ पे देखा गया है, जो ये शेपर्ड डॉग होते हैं, सीप डॉग होते हैं, ये जंगली जानवरों से भी फाइट करते हैं और बहुत बार लेपर्ड को हरा देते हैं। बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि दो कुत्तों ने मिलके लेपर्ड को मार दिया, और बहुत बार तो एक कुत्ता भी लेपर्ड पे है। शिकार करना इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि लेपर्ड तो लेपर्ड होता है, वो चतुर चालाक होता है, इसमें लेपर्ड के बराबर बुद्धि नहीं है। बट हाँ, तो अगर आप भी ऐसा डॉग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टिबेटन मस्टिफ हो सकता है आपके लिए बहुत हैवी हो जाए, लेकिन ये बहुत अच्छा फैमिली डॉग होता है, बहुत ही बढ़िया फैमिली डॉग। तो बोली में हूँ मसूरी के पास, अरविंद राणा जो मेरा दोस्त है उसका ये डॉग है, और बहुत ही खूबसूरत है। और दिन में कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो इसके साथ फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन आराम से उनके साथ फ़ोटो खिंचाता है। मैं भी लगभग एक साल में दूसरी बार इसके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये देखो बिल्कुल भी बाइट नहीं कर रहा है। और थोड़ा इसका देता हूँ, ये इसका ओरिजिनल मुंह है, ये देखिए आप, ये देखिए, और बिल्कुल भी ये बाइट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक इसको ये पता है कि मैं इसको हार्म नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे बाइट नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसको लगेगा मैं इसको हार्म कर रहा हूँ तो ये मुझे बाइट करना शुरू कर देगा। बाकी एक बार आप देख लो। अरे नहीं नहीं, चल चल, नहीं परेशान कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों जो टांग है इसके बीच में अच्छा खासा गैप है, जो होना चाहिए, जो अच्छे भारी कुत्ते होते हैं उनके दोनों टांग के बीच में अच्छा खासा गैप होता है। और टिबेटन मस्टिफ भी एक तो चाइनीज़ टाइप का आता है, जो फ्लपी होते हैं, एक यूरोपियन लाइन टाइप का आता है, और कोट एक की छोटी कोट होती है, एक की बड़ी कोट होती है। तो ये लगभग मीडियम कोट में है, लेकिन बहुत शानदार है। तो अगर आप भी ऐसे डॉग रखने के शौकीन हैं तो ज़रूर आप रख सकते हैं। हालांकि मेरे पास टिबेटन मस्टिफ नहीं होता, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्रीडर आपको मिल जाएंगे, तो उनके पेरेंट्स देख के आप अपना डॉग परचेज़ कर सकते हैं।
तो ये टिबेटन मस्टिप था, बहुत बहुत धन्यवाद।